नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इन दिनों मौसम ने अचानक ही करवट बदली है। जहां आम लोग धूप और उमस से परेशान थे, तो वहीं इंदौर में कल शाम 4 बजे के बाद झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद हरसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि अरब सागर में ऑल नीनो तूफान के इफेक्ट के चलते मालवा निवाड़ में बादल युक्त मौसम बना है, जो कि आगे 3-4 दिनों तक बना रहेगा। और कृषि विभाग के ऑब्जर्वेटरी के अनुसार कल शाम की बारिश 28 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। आगामी 3-4 दिन तक इसी से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं वर्तमान में टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। टेम्परेचर आने वाले दो तीन दिन तक इसी तरह बना रहेगा, फिर टेम्परेचर में कुछ गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। वर्तमान में बारिश से किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बताया गया, जिनकी फसल पककर तैयार हो गई है, इस बारिश से उन्हें भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं गिर रहा है, वह अपनी फसलों को खेतों से निकालकर खलियान तक पहुंचा दें, ताकि नुकसान होने से बचाया जा सके। ये जो परिवर्तन जो आया है, ये अरब सागर में जो डिप्रेशन हुआ है, उसकी वजह से असर हमें अपने मालवा क्षेत्र में भी, इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से जैसे कल जो बारिश हुई है 24 घंटे में, वो 28.3 mm बारिश हुई है, और इससे पहले 5.6 mm बारिश हुई थी। और आगे आने वाले 2-3 दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वर्तमान टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर कितना है? ये अभी लास्ट 2 दिनों के टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो ये जैसे न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम तापमान जो है 30 डिग्री के आसपास है। क्या लगता है कि तापमान में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी या कमी देखने को मिलेगी? अभी जब तक ये हल्की फुल्की बारिश होती है, तब तक तो तापमान थोड़ा सा कम ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में जो वर्तमान बारिश हो रही है, क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये किसानों के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि सोयाबीन की फसल अभी बिल्कुल पॉड मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो इस स्टेज में बारिश होना नुकसानदायक रहता है। और किन किन फसलों को नुकसान होगा, फायदा होगा? अभी तो जो अधिकतर फसलें उनको नुकसान होने का, जो अभी क्योंकि अपने जैसे ज्वार की फसल है उसको भी नुकसान होने का ही है, उस पर भी फंगस आ सकता है। नहीं, कपास पे उतना नहीं, ज्वार की फसलों पे या अधिकतर फसलों पे नुकसान रहेगा इस बारिश से। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? किसानों के लिए यही सलाह है कि जैसे ये रेन जो हो रही है, जो आइसोलेटेड हो रही है, तो अगर जहाँ पर रेन नहीं हो रही है, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर अगर उनकी फसल फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी प्राप्त कर ली है, तो वहाँ पर उसे जल्दी से उसे हार्वेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आनंद हरसाना है, मैं यहाँ पर नोडल अधिकारी हूँ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि महाविद्यालय इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।